बाबा श्याम का एकादशी का व्रत रखा जाता है, पर कौन सी एकादशी का होता है? क्योंकि महीने में दो एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। पर श्याम भक्त कौन सी एकादशी का व्रत रखते हैं? क्योंकि बहुत सारे श्याम भक्त हैं जो पहले से ही बाबा श्याम का एकादशी व्रत रखते हैं, पर कुछ नए श्याम भक्त हैं जिनको नहीं पता है कि खाटू श्याम बाबा का कौन सी एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। तो एकादशी के लिए लेकर श्याम भक्तों में बड़ा ही कन्फ्यूज़न है कि बाबा श्याम का कृष्ण पक्ष का व्रत करें या शुक्ल पक्ष का, या दोनों ही एकादशियों का व्रत रखें। अगर श्याम भक्त दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं तब क्या दोनों एकादशियों का ही हमें फल प्राप्त होता है? तब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम के एकादशी के व्रत, कब और कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, सभी श्याम भक्तों के कन्फ्यूज़न को करने वाली हूँ दूर। तब आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी श्याम भक्त बाबा के व्रत में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना करे। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। एकादशी का दिन बाबा श्याम के भक्तों के लिए बेहद ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। एकादशी के दिन बाबा श्याम के भक्त व्रत रखते हैं और बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं और रात्रि में बाबा श्याम का कीर्तन जागरण करते हैं। एकादशी के दिन बाबा श्याम को भजनों द्वारा प्रसन्न करते हैं। वैसे तो एकादशी का व्रत, एकादशी का दिन भगवान श्री हरि को समर्पित है। सभी भक्त एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं, उनके रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। एकादशी के दिन बाबा श्याम की पूजा भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वरदान के कारण होती है। आप सभी जानते ही हो, महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने बाबा श्याम यानी कि बरबरिक से उनके शीश का दान मांगा था और तब ही उनको भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। इसीलिए बाबा श्याम का मुख्य दिन एकादशी का माना जाता है। इसको ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। तभी बाबा श्याम के भक्त एकादशी के दिन खाटू धाम मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन के लिए भी जाते हैं। बाबा श्याम के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी काम बनने लगते हैं। बाबा श्याम का व्रत शुरू करने से पहले दसवीं वाले दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोना चाहिए और व्रत शुरू करने से पहले स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए और बाबा श्याम की प्रतिमा फोटो को एक चौकी पर स्थापित करें और बाबा श्याम का एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद बाबा श्याम का पंचामृत से स्नान कराएं, फूलों से श्रृंगार करें, इत्र अर्पित करें, देसी घी का दीपक जलाकर बाबा श्याम के समक्ष रखें और साथ ही धूप जलाएं और एक लोटे में जल भरकर रख लें। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें और बाबा श्याम की स्तुति करें, श्याम चालीसा श्याम स्त्रोत का पाठ करें और साथ ही क्षमा याचना करें और भोग में कच्चा दूध, पंचमेवा और तुलसी पत्र जरूर रखें। फिर बाबा श्याम के जयकारे लगाएं। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, तीन बाण धारी की जय, खाटू नरेश की जय, शीश के दानी की जय, नीले के असवार की जय, लख दातार की जय, मोरवी नंदन की जय, कलयुग के अवतार की जय, सच्चे दरबार की जय, अहिल्यावती के लाल की जय, भक्तों के दुख दूर करने वाले की जय। और साथ ही बाबा श्याम के मंत्रों का 108 बार उच्चारण करें। ओम श्री श्याम देवाय नमः। बाबा श्याम का व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, क्योंकि खाटू धाम मंदिर में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन
विशेष तिलक किया जाता है बाबा श्याम का, और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही बाबा श्याम का जन्म उत्सव मनाया जाता है, और हर महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन खाटू धाम मंदिर में भव्य जप होते हैं। लेकिन बाबा श्याम के भक्त दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान श्री कृष्ण उनके अवतार हैं, और भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वरदान के कारण ही बाबा श्याम का एकादशी का व्रत रखा जाता है। तब श्याम भक्त दोनों एकादशियों का भी व्रत कर सकते हैं। वैसे श्याम बाबा का दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही माना जाता है, तब भक्त बाबा श्याम का शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, और द्वादशी के दिन बाबा श्याम की जोत जलाते हैं और खीर चूरमे का भोग लगाया जाता है। इसके बाद ही श्याम भक्त अपने व्रत का पारण करते हैं। ऐसा कहा जाता है, इस व्रत को भक्त इसलिए करते हैं ताकि बाबा श्याम को प्रसन्न और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें और बाबा श्याम की कृपा प्राप्त हो सके। एकादशी का व्रत करने से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती हैं और पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाबा श्याम के भक्त एकादशी के दिन खाटू धाम मंदिर में जाते हैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी हर श्याम भक्त के लिए बहुत ही खास होती है। इस दिन श्याम भक्त भूखे प्यासे रहकर खाटू धाम मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। बाबा श्याम के भक्त बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम मंदिर जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन बाबा श्याम के दर्शन मात्र से ही सभी भक्तों के बिगड़े काम बनने लगते हैं, और शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ही बाबा श्याम की जोत जलाई जाती है। तब बाबा श्याम को द्वादशी के दिन खाटू धाम मंदिर में भक्तों द्वारा चूरमा और पंचमेवा का भोग लगाते हैं, और बाबा श्याम के द्वादशी के दर्शन करके तब ही खाटू धाम से लौटकर अपने घर आते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए और बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए खाटू के राजा श्याम चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकें। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी श्याम भक्तों का बाबा श्याम के व्रत को लेकर कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हारे का सहारा बाबा श्याम, हमारा जय श्री श्याम।